नमस्कार दोस्तों, आज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान जूम में। दोस्तों, यदि आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है तो आप किस तरीका से आधार नंबर के माध्यम से अपना आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप किस तरीका से इनरोलमेंट नंबर के माध्यम से अपना आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे। साथ ही यदि आप इनरोलमेंट नंबर अपना खो गया है तो किस तरीका से इनरोलमेंट नंबर हम मालूम करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको आधार नंबर से आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए बताते हैं। दोस्तों, आपके मोबाइल में क्रोम होगा, आप लोग क्रोम ओपन कर लीजिए यहाँ से, या फिर गूगल यहाँ पर होगा लिखा हुआ, आप गूगल या फिर क्रोम में से किसी को भी ओपन कर लीजिए। चलिए हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे UIDAI। चलिए हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरीका से आप सर्च कर लेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में ही UIDAI। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरीका से आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा होगा डाउनलोड आधार, आप यहां पर क्लिक कर लेंगे डाउनलोड आधार पे। अब यहां पर देखिए आपको डाउनलोड आधार डाउनलोड करने के लिए आ गया है। आप यहां पर तीन तरीका से डाउनलोड कर सकते हैं, पहला तो आधार नंबर, दूसरा यहां पर इनरोलमेंट आईडी नंबर यानी कि EID नंबर, और तीसरा यहां पे वर्चुअल आईडी नंबर। तो आप यहां पर तीन तरीका से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था आप किस तरीका से इनरोलमेंट आईडी नंबर से अपना आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो वह वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको आधार नंबर से आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए बताते हैं। इसके लिए हम आधार नंबर को सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद आप यहां पर अपना 12 अक्षर का आधार नंबर फिलअप करेंगे। चलिए हम यहां पर फिलअप कर लेते हैं अपना आधार नंबर। यहां पर देखिए हमने आधार नंबर फिलअप कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर ये कैप्चा दिख रहा है, आप इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करेंगे। चलिए हम कैप्चा फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कैप्चा फिलअप कर दिया, इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके मोबाइल पर OTP आया होगा, जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है। चलिए, मेरे पास OTP आ गया है, हम यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेते हैं। हमने यहाँ पर OTP फिलअप कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्वे में भाग लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर दो क्वेश्चन है, आप दोनों का आंसर यहाँ पर देना है। तो आंसर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप यस या फिर नो में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर यस कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, आप किसी को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पर बता दें डाउनलोड करने से पहले कि यह PDF के रूप में आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा और वह PDF पासवर्ड प्रोटेक्ट रहेगा, यानी कि आपको PDF जो ओपन करेंगे तो आपको पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। पासवर्ड में आपको बताया गया है कि आप क्या फिलअप करेंगे। तो पासवर्ड में आपका जो भी नाम है, अपने नाम का कैपिटल में पहला 4 अक्षर, उसके बाद जो भी ईस्वी में जो भी ईयर में आपका जन्म हुआ है वह आप ईस्वी वहां पर फिलअप करेंगे। चलिए हम यहां पर वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये डाउनलोड आपके मोबाइल में शुरू हो जाएगा डाउनलोड होना, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। और ये देखिए डाउनलोड होके यहाँ पर ओपन होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पर पासवर्ड में फिलअप कर लीजिए अपना नाम का पहला 4 अक्षर कैपिटल में और जो भी ईस्वी में आपका जन्म हुआ है वह ईस्वी फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर हमने पासवर्ड फिलअप कर दिया, ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको आधार लेटर, इस तरीका से आप लोग आधार अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और इसे कहीं भी आप प्रिंट करा के अपने पास में रख सकते हैं। इस तरीका से आप लोग आधार को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आपके मन में कोई सवाल लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।